नमस्कार। आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। नमस्ते। नमस्ते सर। हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे ये सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है, क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटीना है। कोने कोने में एसटीडी और आईएसटी के बूथ लगे हुए हैं। इंटरनेट है। हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। आज हर आदमी पाँव में जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एसएल वर्ल्ड जाता है, मैकडोनल्ड में खाना खाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। कोई किसान मैकडोनल्ड का बर्गर तो क्या दो वक्त की रोटी नहीं खा पाता। कोई मजदूर कार में नहीं घूमता बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर वन है। क्राइम में भी नंबर वन है। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पंजाब में 11.7% उसके नीचे है। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं, उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहाँ बताइए, वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? वो ऐसे नहीं बता सकता। पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का। एनेक्सचर ABCD करके 18 सेक्शन है। सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था। हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या सैलरी तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओ हाँ याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना करेंगे। समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे। औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी। घर घर में बिजली पानी राशन होगा। पूरी शिक्षा मिलेगी। महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए,